जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोस्तों ये शो कर लें, ये 35 वाले और चूहे कबूतर हैं। इनमें जनाब 9 35 वाले कबूतर हैं, 4 जोड़े पूरे हैं, एक नर एक्स्ट्रा है, ठीक है, और 3 इसमें चूहे हैं, एक जोड़ा पूरा चूहों का और एक नर एक्स्ट्रा। ये चूहा नर एक्स्ट्रा है जी, बड़ा, ये मेन ब्रीडर कबूतर है, गहरी जरेदार आंखों में। बाकियों का अब मैं शो करवा रहा हूँ आपको वन बाय वन, मैं कोशिश करूँगा कि आँख और पर का भी आपको शो कराऊँ। इनको चलता फिरता देखें, एक ये जी 35 वाला कबूतर है, बटेरा कह लें, 35 वाला कह लें, ये आपके सामने क्वालिटी है। इसके साथ जनाब ये वाली फ़ीमेल है दूसरे नंबर पे, ये वाली, ये पीली कड़ी वाली, एक जोड़ा हो गया। दूसरे जोड़े का ये नर है, ये साफ आँखों में मेरे नज़दीक 35 वाले ये हैं, और इसकी ये फ़ीमेल है, ये पीली कड़ियों वाली, दोनों पैरों में जिसके मोतियों वाली कड़ियाँ, ये ठीक है जनाब। दो जोड़े हो गए आपके, तीसरे जोड़े का ये नर है, ये गहरा, ये छापे वाला, और इसकी ये फीमेल है, ये वाली। तीन जोड़े पूरे हो गए आपके, ये चौथे जोड़े की मादा ये है, ये जिसके शोल्डर आगे को निकले हुए हैं, ये मादा है उसकी, और उसका नर नीचे कटा हुआ है, कटा हुआ था, मैंने उसकी पार पुटाई की है, ये सारो हो रहा है। मोरा सबसे खूबसूरत मुझे इसका लगा है सब में से, चूंच और ये जी गहरे 35 वाले, हल्के 35 वाले, लाइट आंख में, तेज आंख में, टोपी सर पे, कैंठा, मतलब सारे ये मिक्स ही हैं तकरीबन जोड़े। अच्छा जी, एक रह गया चूहा जोड़ा, ये चूहे जोड़े का नर है, ये लाइट चूहा, और ये इसकी मादा है, बड़ा ही अच्छा, बड़ा शानदार जोड़ा है, ये बच्चे बड़े अच्छे उड़ाते हैं, इनके बच्चों की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। वो सबसे पहले आपको एक चूहा दिखाया था, वो नीचे चला गया, मैं फिर आपको उठा के दिखाता हूँ उसको। ये आ गया जी बड़ा चूहा जोड़ा, ये कबूतर मैंने देना नहीं था, मैं रोका हुआ अपने लिए, इसको ब्रीड के लिए चाहिए लैदा एक पिंजरा, ठीक है, काबे के एक चाहिए, मेरे पास जगह पहले ही बड़ी थोड़ी है, काब के मेरी फुल हैं, ये कबूतर मैंने देना नहीं था नहीं तो। अच्छा, एक इसमें लकवे वाला पीस है, माइनर सा उसको लकवा है, ये पीली कड़ी के साथ वाला नर है, मैंने आपको दिखाया था, मैं फिर दिखा देता हूँ, बाकी किसी में कोई मसला नहीं है, कोई फॉल्ट वाला पीस नहीं है, ये चलते फिरते आप देखें इनको, माशाल्लाह, ये जो आगे से गहरे नहीं है ये वक्त के साथ गहरे हो जाएंगे, ये नहीं गहरा होगा, ये एज इट इज़ रहेगा, जिसकी काली का नहीं है, ये इसकी मादा, ये एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि इनकी 2.5-3 साल उम्र हो गई है। ये नहाए थे, नहाने की वजह से लोगों के कबूतर साफ हो जाते हैं, मुझे लगता है मैंने पिंकी ज़्यादा डाल दी थी इस दफ़ा। ये जी टोटल 12 पीस हैं, 3 चूहे और 9 जो हैं 35 वाले। ये नीचे वो चूहा आ गया है, इसकी माता ने एक अंडा उतारा हुआ है, दूसरा अंडा आज या कल देगी, ये नर के पीछे पड़ गया। सारे बच्चे बड़े अच्छे पालते हैं, मतलब बच्चों की पलाई बड़ी अच्छी आती है, जोड़े अच्छे हैं, लगे लगाए जोड़े हैं, मेहनत नहीं आपको करनी पड़ेगी। ले जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।